नमस्कार, आप देख रहे हैं सच न्यूज प्राइम न्यूज इंडिया सिवान जागरण। इस वक्त हमारी टीम पहुंची सिवान के जेपी चौक चौराहे पे। आप देख सकते हैं कि हत्यारी सरकार को बर्खास्त हो ऐसा नारा लेकर बीजेपी के कर्ता उतर चुके हैं सड़कों पे, जो कल बढ़ता हुआ है पटना में, यानी कि लाठीचार्ज हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर। और आप देख सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया जा रहा है सिवान की धरती पे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में और अभी अभी पुतला दहन किया जा रहा है तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का, यानी कि मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का। देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव का पुतला और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है और जो यहाँ पे बीजेपी करते हैं लातों से और मार रहे हैं अपनी क्रोधता, यानी कि जो ये आक्रोश में है पूरा देख सकते हैं। यानी कि कल जो घटना हुआ था बिहार विधानसभा, यानी मार्च हो रहा था, मार्च में जो बीजेपी कार्यकर्ता जो पहुंचे थे और उसमें विजय कुमार सिंह को यानी कि लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा और उसमें उनकी देहांत हो गई। आप देख सकते हैं विजय सिंह का आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शहीद विजय सिंह अमर है ऐसा नारा लग रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के महामंत्री थे विजय सिंह, जो कि कल पटना में उनकी देहांत हो गई और देहांत इसलिए हुआ था कि जो कि मतलब बीजेपी के जो कार्यकर्ता रहे और उनके लाठीचार्ज हुआ उसमें उनमें शामिल रहे। और आप देख सकते हैं बबलू साहब जी, क्या बात है आज इतनी नाराजगी आप लोग दिखा रहे हैं? आज कल विधानसभा नीतीश सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, दोनों शिक्षक को बहाल नहीं किए, इसके खिलाफ हम लोग धरना देने गए थे। लोग पटना में नीतीश के प्रशासन ने बर्बम तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के मारे, हम लोग पीटे हैं लोग, और एक विजय सिंह हमारे जिला के महामंत्री की हत्या कर दी गए हैं। ऐसी हत्यारी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत नीतीश और तेजस्वी बिहार से इस्तीफा दें। ठीक है सर, बिहार का बिहार को बचाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रोड पर उतर कर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से पूछना चाहा कि आपने कहा था कि जैसे ही हमारी कैबिनेट की पहली बैठक होगी हम 10 लाख नौकरी देंगे, उससे बढ़ करके जो एनडीए सरकार में नियुक्त किए गए थे उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र बांट करके नीतीश कुमार समारोह में कहा कि हम 10 लाख अपने तरफ से यानी 20 लाख नौकरी देंगे। और जो अभी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया निकाली गई है बीपीएससी द्वारा की जाएगी, बीपीएससी द्वारा देश के अन्य राज्य के भी लड़के लड़कियां आकर के यहाँ भर सकते हैं। तो आपने एक तरफ वादा किया था कि नौकरी देंगे, दूसरी तरफ हम बिहार के लड़के लड़कियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार के बच्चों में टैलेंट नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मैथ बनाने नहीं आता है। ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग दिल संकल्पित हैं। और सर लगता है कि आरजेडी ने अपना बदला निकाला हुआ है क्या? निश्चित रूप से आरजेडी के इशारे पर नीतीश कुमार ने मिनिमम जिस तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई कराई है और हत्या करने का काम किया है, कुछ लोग का कहना है और जैसे कि मीडिया में देखा ये भी जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता लोग मिर्चा फेंके थे प्रशासन नहीं, जिसके बाद जाके लाठी चार्ज करना पड़ा। आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है प्रदर्शन हो रहा। सर ये घटना जो घटा हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी पेरिस में है, यात्रा पे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन तो हो चुका होगा, वो उन्होंने अभी अपने संबंधन में कुछ बात का किया है? संवेदना व्यक्त की है उस परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी उस परिवार को 10 लाख रुपया देगी। तो देख सकते हैं हमारे साथ पूर्व सिवान के एमपी ओम प्रकाश यादव जी और भाजपा के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। और अभी अभी आप देख सकते हैं शहीद विजय सिंह अमर राय के नारा लेकर हत्यारी सरकार को बर्खास्त हो ऐसा नारा लेकर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उसका पुतला जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बिहार सरकार के बर्ताव पूर्व लाठीचार्ज के विरोध में काला दिवस एवं पुतला दहन किया जा रहा है।
सिवान के धरती पे और जेपी चौक पे। कल का जो घटना घटा हुआ है, आज आप लोग जो पुतला दहन कर रहे हैं नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का, ये बड़ा मतलब शर्म की बात है कि बिहार सरकार मतलब तानाशाही कर रहा है क्या इस तरह से। ये बिहार के इतिहास में पहली घटना है जब किसी एमपी विधायक और प्रमुख प्रमुख लोगों को चुन चुन कर मारा गया है। ये बिहार सरकार की विफलता का परिणाम है और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग आपत हो चुके हैं और इनकी सरकार जो है विफल है हर क्षेत्र में, इसलिए ये लोग ऐसा करवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, डंडा चलवा रहे हैं, लोगों का सर फोड़वा रहे हैं। अभी आपको जानना चाहिए कि एक हमारे कार्यकर्ता जो जहानाबाद के संजय सिंह जिला के महामंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई। विजय सिंह हाँ। उनकी हत्या कर दी गई मारकर, पुलिस के डंडे से मारते मारते हत्या कर दी गई। और लोगों का उनके उनका डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, जो सरासर गलत है। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम लोग वहाँ देख रहे हैं। केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और इनके सरकार को ध्वस्त किया जाए, इनके सरकार को सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद।